गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। इस लेक्चर से पहले हमने मीनिंग एंड यूजेस ऑफ प्रेपोजिशंस पे टू लेक्चर्स देखा है। एक लेक्चर्स ए से शुरू होने वाले इम्पोर्टेंट प्रेपोजिशंस के मीनिंग एंड यूजेस का, दूसरा बी से शुरू होने वाले इम्पोर्टेंट मीनिंग एंड यूजेस ऑफ प्रेपोजिशंस का। आज हम पांच प्रेपोजिशंस का देखेंगे यह इस लेक्चर में, और आज का पहला होगा जैसा कि आप सबको दिख रहा है ड्यूरिंग, दूसरा होगा फॉर, तीसरा होगा फ्रॉम, चौथा होगा इन और पांचवा होगा इनटू। इन पांच प्रेपोजिशंस के मीनिंग एंड यूजेस देखेंगे। आप अपने आप को फोकस कर लीजिए, फोकस इतना करिए कि जब एक प्रेपोजिशन खत्म हो तो उसकी बातें आपको ध्यान रहे, जब हम तीसरा पढ़ रहे होंगे तो एक और दो की बातें ध्यान रहे, अर्थात जब हम पांचवें पे हों तो पांचों की बातें आपको ध्यान रहनी चाहिए। इतना फोकस आप कर लीजिए, और कम से कम तो इतना फोकस आपको करना है कि पांचों प्रेपोजिशंस हमें ध्यान रहे। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रेपोजिशन, दैट इज ड्यूरिंग। ड्यूरिंग की एक ही हिंदी होती है, वह है के दौरान अथवा की अवधि में, दोनों का एक ही मतलब होता है। तो डेफिनेटली एक हिंदी है तो एक ही सेंटेंस लाएंगे हम। सेंटेंस है आई शैल गो होम ड्यूरिंग पूजा होलीडेज, मैं घर जाऊंगा ड्यूरिंग के दौरान कर देते हैं, के दौरान पूजा होलीडेज, पूजा की छुट्टियों के दौरान मैं घर जाऊंगा। तो यहां पे आपने देख लिया कि ड्यूरिंग का मीनिंग है के दौरान अथवा की अवधि में, और सेंटेंस आपको दिख रहा है। ड्यूरिंग का जो वर्ड्स डिमांड करते हैं वे हैं, समर के पहले हम ड्यूरिंग लगाते हैं ड्यूरिंग समर, ऐसे ही विंटर के पहले भी लगाते हैं ड्यूरिंग, ड्यूरिंग डे, ड्यूरिंग नाइट, ड्यूरिंग 1947, मतलब साल के नाम के पहले भी ड्यूरिंग लगाते हैं हम। तो ये सारे शब्द डिमांड करते हैं ड्यूरिंग का अपने साथ, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो अपना पहला प्रेपोजिशन फिनिश होता है। नेक्स्ट इज फॉर। फॉर की हिंदी बहुत सारी है, के लिए है, के पक्ष में, के कारण, की ओर से, में, का, से, के बदले में। अगर नंबरिंग कर दें तो सबसे अधिक यूज होता है एक नंबर का जो है के लिए, फिर इसके बाद ये पूरे के पूरे आप देख रहे हैं इसके आठ मेन मीनिंग्स हैं, और इनका भी हम यूज देखेंगे कोरस्पोंडिंग सेंटेंसेस में, एक का एक में, दो का दो में। तो फॉर की मीनिंग आपने देख लिया कि फॉर की मीनिंग बहुत होती है। तो पहले के लिए, जिसका हम सबसे अधिक प्रयोग करते हैं, राम मेक्स टी फॉर श्याम, राम श्याम के लिए चाय बनाता है। तो यहाँ पे के लिए आ रहा है, एक से एक जो मीनिंग है के लिए, उसे के लिए मैच किया। दूसरा के पक्ष में आना चाहिए, मोनू वॉज फॉर द स्कीम, मोनू योजना के पक्ष में था, तो यहाँ से टू मैच किया। तीसरा है के कारण, रीमा स्टार्टेड डांसिंग फॉर जॉय, रीमा खुशी के कारण डांस शुरू किया, तो यहाँ पे तीन से तीन मैच किया। की ओर होना चाहिए, कार्तिक इज लिविंग फॉर होम, कार्तिक घर की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे चार से चार मैच किया। फिर मे होगा फोर का हिंदी, मे डेफिनेटली मे होता है। देख कैसे, आई सोल्ड माई टीवी फॉर रुपीज 10,000, मैंने अपना टीवी बेचा 10,000 रुपये में, फॉर मतलब में। फिर काग होती है इसकी हिंदी, का कैसे, दिस इज चेक फॉर रुपीज 500, यह 500 रुपये का चेक है, यह 500 रुपये का चेक है, यह 500 रुपये का चेक है। सेंटेंस को अरेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। फिर से है, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 22 ईयर्स, मैं 22 सालों से टीचिंग करते आ रहा हूं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं से आ रहा है इस फोर का मतलब, और यह सात से सात को मैच कर रहा है। फिर आठ के बदले में होना चाहिए, टीवी स्टैंड्स फॉर टेलीविजन, टीवी के बदले में टेलीविजन होता है, टीवी के बदले में टेलीविजन होता है, यह हुआ फोर का। तो पहला देख लिया ड्यूरिंग, दूसरा देख लिया फोर, फोर की आठ मीनिंग, तीसरा देखेंगे फ्रॉम, देखेंगे
फ्रॉम की मीनिंग क्या है, एक ही मीनिंग है यह से, लेकिन यहाँ पे जो भाव होता है वो देखिए अलगाव का सेंस देता है, टाइम का सेंस देता है, स्थान का सेंस देगा, कारण का देगा, स्रोत का देगा, और एक वस्तु वस्तु से दूसरी दूसरे वस्तु बनने का भी सेंस देगा, भाव देगा। रोहित इज कमिंग फ्रॉम स्कूल, रोहित स्कूल से आ रहा है। यहाँ पे स्कूल से, यहाँ पे अलगाव हो रहा है स्कूल का, स्कूल से, तो यहाँ पे अलगाव का भाव है, वन नंबर से वन नंबर मैच किया। आवर क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम 8 PM, हमारा क्लास स्टार्ट होगा 8 PM से, यहाँ भी से, सब में से आएगा, लेकिन यहाँ पे टाइम का सेंस आ रहा है, दो नंबर से दो नंबर मैच किया। तीसरा, आई वेंट फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, मैं एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय, यहाँ पे से रहेगा, फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, चाहे फ्रॉम डोर टू डोर, चाहे और भी कुछ भी हो सकता है, तो इसकी हिंदी होती है एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक, एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय तक, तो मैं एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय तक गया, तो यहाँ पे से आ रहा है, एक विद्यालय से, यहाँ पे टू का मतलब से होगा। तीन से तीन को मैच करेंगे, इसको चार कर देते हैं, ये पांच होगा, छह होगा। फिर आगे है, सीमा इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, सीमा बुखार से पीड़ित है, बुखार से चाहे बुखार के कारण, तो यहाँ पे के कारण का भाव देगा चार नंबर। फिर राम ड्रॉज वाटर फ्रॉम पोंड, राम पोंड से वाटर निकालता है, यहाँ से आ रहा है, लेकिन पोंड क्या है, एक वाटर का सोर्स है, स्रोत है, तो स्रोत का सेंस देगा पांच नंबर, आप देख रहे हैं स्रोत का भाव रहेगा। फिर छह नंबर है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु बनने का भाव, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से बटर बनता है, मिल्क से दूध से मक्खन बनता है, तो यहाँ पे फ्रॉम आ रहा है से होता है। तो इस तरह से आपने देख लिया कि फ्रॉम से, फ्रॉम का मीनिंग से है, और से के कितने तरह से मीनिंग छुपे रहते हैं, सबका सेंटेंस लिख दिया है। अब कुछ वर्ड्स हैं जो डिमांड करते हैं फ्रॉम को, अपने आगे चाहे पीछे। देखिए, अब्सटेन फ्रॉम मतलब परहेज करना, सुन लीजिए हिंदी। बोरो फ्रॉम मतलब किसी से मांगना, उधार लेना। डिराइव फ्रॉम उत्पन्न होना, से उत्पन्न होना। एस्केप फ्रॉम से बचना। एग्जेम्प्ट फ्रॉम से छुटकारा पाना। फिर प्रिवेंट फ्रॉम से रोकना। प्रोहिबिट फ्रॉम से निषेध करना। रिफ्रेन फ्रॉम से बचना। फॉल फ्रॉम से गिरना। पार्ट फ्रॉम का मतलब होता है अलग होना, से अलग होना, से अलग होना। ये सारे के सारे वर्ड्स फ्रॉम का डिमांड करते हैं। अब नाउ कम्स अनदर प्रेपोजिशन, दैट इज इन। इन की हिंदी होती है में, इसकी हिंदी में है। यहाँ पे भी मीनिंग छुपा रहा था, टाइम का, सॉरी प्लेस का, दूसरे में टाइम का, तीसरे में पोशाक का भाव, यहाँ पोशाक नहीं रहेगा, पोशाक का भाव, ये तीन हो जाएगा। फिर ये चार, फिर पेशा का भाव, और छह दिशा का भाव, दिशा मीन्स डायरेक्शन का भाव रहेगा, क्या इन में आएगी, लेकिन ये सब मीनिंग छुपा रहेगा। वी लिव इन बिहार, हम बिहार में रहते हैं, तो यहाँ पे में आया, लेकिन बिहार क्या हो गया, प्लेस, एक से एक मैच किया। आई रन इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में दौड़ता हूँ, तो यहाँ पे सुबह टाइम हो गया, टाइम का भाव दो नंबर में देखिए छुपा हुआ है। तीसरा, रीमा इज इन साड़ी, रीमा साड़ी में है, में ही मीनिंग हो रहा है, लेकिन साड़ी क्या है, यह पोशाक का भाव है, तो यहाँ पे पोशाक का भाव रहेगा। राम इज इन हिज टीन्स, टीन्स का मतलब क्या होता है, टीन्स उस जब हम 13 से 19 वर्ष के बीच में होते हैं, तो इस एज को बोलते हैं टीन्स। तो राम इज इन हिज टीन्स मतलब राम 13 से 19 के बीच का है, रियल एज तो पता नहीं है, अंदाजा से 13 से 19 के बीच का है, तो बोलते हैं टीन्स उसको। टीन्स इसलिए बोलते हैं कि 13 से लेकर 19 जो वर्ड्स बोल रहा हूँ इनके बीच, इनके अंत में टीन आता है, इसलिए इससे टीन्स बना हुआ है, और टीनेज भी इसी से बना हुआ है।
तो राम इज इन हिज टीन्स, राम 13 से 19 के बीच में है, अपने 13 से 19 के बीच में है, तो यहाँ पे मे हो गया, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, अवस्था का भाव हो रहा है, चार नंबर की अवस्था उसकी क्या है। रमेश इज इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में शिक्षा मंत्रालय, तो रमेश शिक्षा मंत्रालय में है, तो कोई काम करता है, पेशा होगी इसकी, तो ये पेशा का भाव होगा पांच नंबर। छह है दिशा का भाव, डायरेक्शन, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है, यहाँ ईस्ट ये दिशा दिखा रहा है, छह नंबर होगा, और यहाँ पे मे ही आ रहा है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इन की हिंदी एक है मे, लेकिन यहाँ पे मीनिंग, इनहेरेंट मीनिंग इसके बहुत से हैं, छह हैं दे दिया। जो वर्ड्स डिमांड करते हैं इन का वो है अबाउंड इन, अबाउंड इन मतलब बहुतायत में होना, बहुत होना। बिलीव इन मतलब में विश्वास करना, डील इन मतलब व्यापार करना, व्यापार करना। सक्सीड इन मतलब में सफल होना, गिव इन में मतलब होता है हार जाना, गिव इन मतलब हार जाना या हिम्मत हार जाना। बिलीव इन में विश्वास करना, इन डाउट मतलब संदेह में, इन ऑर्डर मतलब सही क्रम में, वर्स्ट इन मतलब निपुण होना, इन हरी मतलब जल्दीबाजी में, डेफिशिएंट इन कमी, और इन अरेज मींस गुस्से में, गुस्से में। ये सारे के सारे वर्ड्स डिमांड करते हैं इनका अपने साथ। अब इन के बाद आएगा इनटू, इनटू के बारे में हम देख लेते हैं। इनटू की हिंदी भी एक ही है, लेकिन इन और इनटू में एक डिफरेंस यह है कि इनटू क्या होता है, कोई मान लीजिए घर है, कुछ भी है, इनटू बाहर से अंदर जाने का भाव होता है मे में, मतलब वह घर वह कमरे में आ रहा है, तो ही इज कमिंग इनटू रूम, तो बाहर से जब अंदर आते हैं तो वहां पे इनटू लगाते हैं। देखिए यही लिखा हुआ है, इनटू में मे, भीतर से बाहर, सॉरी बाहर से भीतर की ओर जाने का भाव, ये एक नंबर। फिर एक वस्तु से दूसरी वस्तु में बदलने का भाव, ये हो गया दो नंबर। तीसरा स्थिति में परिवर्तन का भाव, तीन नंबर। और चार में इसकी अलग हिंदी है, मे के अतिरिक्त भी एक हिंदी है, वह है से, और यहाँ पे भाग देने का भाव, डिवाइड करने का भाव होता है। देखते हैं, सीमा जंप्ड इनटू अ रिवर, सीमा नदी में जंप कर गई, तो बाहर से नदी में जंप करी, तो यहाँ पे इनटू आएगा, मे हो गया, और एक नंबर का सेंस दे रहा है बाहर से भीतर का। हीट टर्न्स वाटर इनटू वेपर, हीट उष्मा वाटर को, जल को वाष्प में बदल देती है, तो यहाँ पे एक वस्तु को दूसरे वस्तु में बदलने का भाव जो है ये दिखा रहा है। फिर है राम केम इनटू पावर इन 2010, राम पावर में आया, पावर मतलब शक्ति में आया, किसी पोजीशन पे आया। राम केम इनटू पावर इन 2010 में वो पावर में आया, तो यहाँ पे स्थिति में पावर नहीं था, अभी उसकी स्थिति चेंज हो गई है, तो ये यहाँ पे में ही आएगा और तीन नंबर से मैच करेगा। फिर है 10 × 30 goes thrice, यहाँ पे से होगा, 10 × 30 होता है तीन, 10 × 30 होता है तीन, ये है मतलब 30 में 10 से भाग देने पे तीन होता है, यहाँ भाग देने का भाव होता है, और ए आप देख रहे हैं इनटू का यूज। फिर नोट में है ट्रांसलेट इनटू, आप तो बहुत यूज करते हैं इसका, ईट इनटू मतलब बर्बाद कर देना, बर्बाद कर देना। टर्न इनटू मतलब बदलना, बर्स्ट इनटू मतलब रो पड़ना, लुक इनटू मतलब जांच करना, जांच करना, ये सब शब्द हैं जो इनटू का डिमांड करते हैं। तो आपने फोकस तो कर रखा है, हमने पांच प्रीपोजिशंस खत्म कर लिए हैं। पहला क्या था, ड्यूरिंग था, जिसकी हिंदी थी कि अवधि में, के दौरान। दूसरा के लिए, हिंदी के पक्ष में, के कारण, की ओर से, मेस का, से के बदले में। फ्रॉम था, फिर इन था, और फिर इनटू था। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में जो प्रीपोजिशन ओ से शुरू होते हैं उनको हम देखेंगे। थैंक्स लॉट।